एक बेस्ट सेंसिटिविटी का वीडियो हमें कहाँ मिल सकता है? अरे बाबा! हैकर, हैकर! भैया इतने गुस्से में क्यों हो? एक तो हेडशॉट मारे तो हमको तो थोड़े मारने दो। तो गाइज आज की वीडियो में मैं सेंसिटिविटी के एक महान अध्याय ओपन करने जा रहा हूँ, क्या आपको जानना है? हाँ। ओके, आप लोग यूट्यूब पे काफी सारी सर्चिंग करते हो एंड आपको बताया जाता है आप लोग जनरल को 99 पे रखो, ओनली हेडशॉट लगेगा। ओके तो गाइज एक साइड में मेरा फोन एंड दूसरी साइड पे आप लोग का फोन, जो कि यूट्यूब बड़े बड़े यूट्यूबर के जो सेंसिटिविटी सर्चिंग करके आप लोग यूज करते हो, तो देखते हैं गाइज किसमें ज्यादा सेंसिटिविटी एंड किससे ज्यादा हेडशॉट लगता है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो गाइज इस फोन में मैंने सेंसिटिविटी को 99 पे रखा है एंड स्क्रीन हिलाता हूँ तो ये तो टट्टी है। ओके सेंसिटिविटी थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन हेडशॉट के लिए ट्राई करते हैं। प्रॉपर रोटेशन किया और मेरी उंगली भी निकल गई, लेकिन एक भी हेडशॉट नहीं लगा। आइडिया, शायद यूट्यूबर भाई ने पाउडर यूज करके खेलने के लिए बोला था। तो गाइज जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो सेंसिटिविटी आपको देते हैं, तो गाइज ये उनका सेंसिटिविटी आप लोग खुद ही देख लिए। तो गाइज अभी देखते हैं मैंने जो सेंसिटिविटी क्रिएट किया है उस वो सेंसिटिविटी कितना हाई है या फिर हेडशॉट लगता है या फिर नहीं, देखते हैं। चलो भाई चलो चलो। तो गाइज अभी मेरी फोन की सेंसिटिविटी चेक करते हैं। हिलाना झुलाना ज्यादा था। गाली किसने की है? ओके सेंसिटिविटी की बात करें तो नेक्स्ट लेवल थी और हेडशॉट की बात करें तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो गाइज अभी मैं आपको सिर्फ तीन स्टेप बताऊंगा, तो पहले जो दो स्टेप रहेंगे उस पे आप लोग गेम की सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज कर पाओगे जो आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे, एंड गाइज जो लास्ट वाले सेंसिटिविटी वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे कि आप लोग आपकी एक्यूरेसी जो है उसके हाई सेंसिटिविटी के अंदर आप लोग कैसे एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे वो उसमें लास्ट वाले ट्रिक में बताऊंगा। तो गाइज स्टेप बाय स्टेप मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ आप लोग फॉलो करो एंड गाइज आप लोग नेक्स्ट लेवल हेडशॉट लगने वाले हैं। एंड सेंसिटिविटी बात करो तो मतलब आसमान छूने वाली है, जो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है मतलब नेक्स्ट लेवल इंक्रीज होने वाली है। तो गाइज इसी बात पे लाइक कर देना। ओके तो गाइज स्टेप नंबर वन पे हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। तो गाइज देखो हमारे जो एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं इसमें सेंसिटिविटी सिर्फ इंक्रीज कर सकते हो जो है स्मॉल विथ और उसका नाम जो बोलते हो आप लोग डीपीआई। भाई मुंह की बात छील ली। तो गाइज देखो इस डीपीआई से ही आप लोग की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। एंड गाइज आप लोग अभी बोलोगे कि भाई हमें तो डीपीआई के बारे में पता है, तो गाइज देखो डीपीआई के बारे में पता है लेकिन परफेक्ट डीपीआई पता नहीं है। तो गाइज मैं आप लोग फोन के हिसाब से कुछ डीपीआई दे रहा हूँ, गाइज आप लोग उसको यूज करना। ओके तो गाइज पहले नंबर पे Realme, OnePlus एंड Oppo, ये जो इनके जो चिपसेट होते हैं एंड जो प्रोसेसर होते हैं गाइज ये एक ही मैकेनिज्म पे होते हैं, तो गाइज इन तीनों ब्रांड सेम होते हैं। उनका डीपीआई करना 540 एंड गाइज मैक्सिमम करना मत करना, एंड गाइज जितना दे रहा हूँ उतना ही करना। एंड गाइज सेकंड पे आता है जो MI Poco Nothing, इसका नथिंग का तो पता नहीं लेकिन नथिंग का चिपसेट सेम ही है लेकिन इसका जो डीपीआई होती है वो हाई देते हैं, तो गाइज लेकिन सेम ही करना। एंड गाइज लास्ट में था Vivo एंड Infinix एंड Motorola, Motorola का पता नहीं है मैंने यूज नहीं किया। तो गाइज एंड इन्फिनिक्स जो भी वो फोन होते हैं ना उन पे गाइज 530 करना। एंड गाइज ये रही मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, इससे सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। तो गाइज स्टेप वन पे मैंने आपकी सेंसिटिविटी फोन की एंड जो परफेक्ट डीपीआई वो दिया। उसके बाद गाइज स्टेप टू पे आप लोग को कुछ फोन के सेटिंग दिखाऊं जिससे कि आप लोग की मतलब जो टच की सेंसिटिविटी वो इंक्रीज होगी एंड आपकी जो जो फ्रेम रेट होती है वो भी मतलब परफेक्ट हो जाएगी। तो गाइज आप लोग सेटिंग पे माउस पॉइंटर स्पीड को सर्चिंग करना एंड गाइज सबसे नीचे आपको दिखाई देगा कि माउस पॉइंटर स्पीड का जो ये जो सेटिंग होता है, तो गाइज इसको अपना आपको मतलब 70 करना है। ओके गाइज 70 करोगे तो डेजर्ट UMP एंड शॉटगन से इजीली हेडशॉट लगेगा। उसके बाद और एक सेटिंग जो एक्सेसिबिलिटी उसके अंदर आना है, लास्ट के ऑप्शन पे इंटरेक्शन आना है। उसके बाद गाइज टॉच एंड डिले जो है इसको शॉर्ट करना एंड गाइज सबसे नीचे होगा जो क्लिक हो एंड पॉइंटर स्टॉप, गाइज ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसको ना फोन के हिसाब से सबसे कम रखना, जितना भी कम रखोगे ना उतना मतलब आपके फोन की जो जो सेंसिटिविटी होती है एंड वो इनकी जगह उसके साथ साथ जो फ्रेम की फ्रेम रेट होती है वो भी मतलब रिफ्रेश होती रहेगी एंड गाइज उसके साथ आपकी जो टच पर मतलब पिच के हिसाब से होती है ना वो भी इनक्रीज होगी, मतलब आप जहाँ भी टच करोगे ना वो रिस्पॉन्स अच्छा ही करेगा, तो मतलब जिससे कि आप लोग इजीली हेडशॉट ही लगेगा, समझ रहे हो ना। तो गाइज अब जाके आपकी फ़ोन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई है एंड गाइज आप लोग लिटरली आप खुद ही जाके चेक करके देख सकते हो गेम की सेंसिटिविटी कितना इंक्रीज हो गई है।
क्या बात कर रहे हैं? अब जाके आपके फोन की सेंसिटिविटी एकदम हाई हो गई, उसके बाद गाइस थर्ड स्टेप पे आप एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे। तो गाइस आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आना है और गाइस यहां पर आपको पहले सेंसिटिविटी के अंदर आ जाना है। ओके गाइस आपको सेंसिटिविटी के अंदर आना है और गाइस यहां पर सेंसिटिविटी के अंदर जैसे आप आओगे तो गाइस देखो आपको रेड डॉट को 77 करना है एंड टेलीस्कोप को 100 कर देना है एंड फोरस्कोप को 99। उसके बाद गाइस मेन सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल, जो जनरल को गाइस आपको 94 से लेके 90, पहले 94 रखना है नहीं तो 95 रखना है। ओके गाइस उसके बाद गाइस यहां पर आना है एंड गाइस स्लो को पहले क्लोज रेंज पे फायर करना है। देख रहे हो ना गाइस थोड़ा सा लग रहा है एंड गाइस तक भी रहा है। तो गाइस ये मेरा परफेक्ट सेटिंग नहीं, फिर से गाइस आपको जाना है सेंसिटिविटी के अंदर। उसके बाद गाइस 96 करके देखना है एंड गाइस 96 97 करके देखना है एंड गाइस पहले क्लोज रेंज पे मारना है। देखो गाइस देख रहे हो ना सेंसिटिविटी थोड़ा सा कंट्रोल हो गया एंड गाइस बॉडी भी लग रहा है एंड हेड भी लग रहा है। ओके गाइस ये 97 भी थोड़ा सा मेरा मतलब बॉडी लग रहा है एंड ये भी हुआ है। तो गाइस 97 भी मेरा परफेक्ट नहीं है तो गाइस सेंसिटिविटी के हिसाब से। तो गाइस फिर से मैं सेंसिटिविटी के अंदर जाऊंगा। ओके गाइस फिर से सेंसिटिविटी के अंदर जैसे आओगे गाइस आप लोग को 98 पे करना है नहीं तो 99 पे करना है। गाइस ऐसे चेक करोगे एंड गाइस क्लोज रेंज पे जाके फिर से जाके मारोगे। देख रहे हो ना गाइस इजीली कैसे हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है मेरा 99 पे, इसका मतलब मेरा 99 पे परफेक्ट सेंसिटिविटी है। तो गाइस देख रहे हो ना क्लोज रेंज पे लग रहा है एंड गाइस लॉन्ग रेंज पे थोड़ा सा हिल हो रहा है एंड गाइस इजीली है। तो देख रहे हो ना गाइस ये होता है परफेक्ट सेंसिटिविटी। तो गाइस देख रहे हो ये होता है परफेक्ट सेंसिटिविटी, जनरल कैसे जनरल सेंसिटिविटी को परफेक्ट करते हैं, ना कि गाइस डायरेक्ट आके आके मतलब गेम डिवाइस पे सेंसिटिविटी नहीं नहीं है तो जाके मैं क्या करूँ। सेंसिटिविटी तो पहले सेंसिटिविटी करना पड़ेगा उसके बाद जाके गाइस मतलब मैं ना ये कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस जनरल सेंसिटिविटी को कंट्रोल करूँगा तो मेरा एक्यूरेसी मेंटेन होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो क्या करूँ मैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड गाइस बहुत दिनों के बाद वीडियो चला तो गाइस एकदम मतलब ट्रेंडिंग पे लाना है सोचना। गाइस लाइक कर देना एंड मिलते हैं दोस्तों को शेयर कर देना एंड गाइस मिलते हैं बाय बाय।